गाजीपुर की दिनभर की 5 सबसे बड़ी खबरों की इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। भाकपा माले जखनिया तहसील कमेटी की बैठक जखनिया कार्यालय पर सोमवार को हुई। इसमें 26 और 27 दिसंबर को जखनिया में आयोजित पार्टी जिला सम्मेलन की तैयारी, 8 दिसंबर भारत बंद आंदोलन के समर्थन में जिला मुख्यालय पर बड़ी संख्या में शामिल होने की तैयारी पर विचार विमर्श किया गया। भाकपा माले के जिला सचिव राम प्यारे राम ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा लाया गया किसान विरोधी काला कानून किसानों के गुलामी के दस्तावेज पर दस्तखत है। इससे खेती किसानी कॉर्पोरेट घरानों के हवाले हो जाएगी। खेती में कॉर्पोरेट परस्त नीतियों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक को जिलाध्यक्ष गुलाब सिंह, उजागीर राम, मिलन कुमार, रणधीर सिंह, निर्मला, रीता देवी, लाल बहादुर, राम वृक्ष मौर्य ने संबोधित किया। सहकारिता रत्न इफको के पूर्व निदेशक राजकुमार त्रिपाठी की प्रथम पुण्यतिथि पर सोमवार को मोहम्मदाबाद नगर के तिवारी टोला स्थित त्रिपाठी निवास में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर सहकारिता से जुड़े लोगों, अध्यापकों एवं राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं सहित अन्य लोगों ने उनके चित्र पर पुष्पार्चन कर श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस मौके पर पीसीएफ के निदेशक व डीसीएफ गाजीपुर के चेयरमैन विजय शंकर राय ने कहा कि त्रिपाठी जी सहकारिता के अग्रणी नेता थे। कार्यक्रम शुरुआत से पहले पंडित दीनबंधु त्रिपाठी, भागवत तिवारी, पंडित अभिषेक तिवारी ने विष्णु सहस्त्रनाम व हवन पूजन करके संपन्न कराया। श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में भाजपा नेता वीरेंद्र राय, पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रामबाबू शांडिल्य, अपर जिला जज प्रतापगढ़ अजय कुमार त्रिपाठी, बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष गुलाब राम आदि शामिल थे। नौनहरा थाना पुलिस ने सोमवार को मुखबिर से सूचना पाने पर साथीपुर मोड़ के पास वांछित अभियुक्त मौजूद है और कहीं भागने के फिराक में है। इस सूचना पर पुलिस तत्काल मौके के लिए रवाना हो गई। पास पहुंचने पर जैसे ही अभियुक्त की नजर पुलिस पर पड़ी उसने भागना चाहा, लेकिन पुलिस ने घेरेबंदी कर जंगीपुर थाना क्षेत्र के बघोर निवासी अखिलेश यादव को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 410 रुपये नकदी, गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना प्रभारी निरीक्षक शैलेंद्र प्रताप सिंह के साथ आरक्षी नवीन दुबे, दिनेश सिंह और विनोद यादव शामिल रहे। किसान विरोधी बिल को वापस लेने के लिए राष्ट्रपति को संबोधित पत्रक प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के पदाधिकारियों ने सदर तहसीलदार को सौंपा। पत्रक में कहा कि आज देश का किसान परेशान है, उसको उसके फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार को इसके प्रति आज फैसला लेना चाहिए। पत्रक सौंपने के दौरान बृजभान सिंह बघेल, पूर्व प्रत्याशी लोकसभा संतोष यादव, देवेंद्र यादव, समीर सिंह आदि लोग मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति लखनऊ के चेयरमैन डॉक्टर उमेश शर्मा के निर्देशानुसार सोमवार को प्रदेश संगठन सचिव संजय श्रीवास्तव व अपराध निरोधक समिति के सदस्यों ने जिला कारागार का निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल के साथ ही अन्य व्यवस्थाओं को भी देखा। डिप्टी जेलर कमलचंद से कैदियों बंदियों को दिए जाने वाले भोजन आदि की जानकारी भी ली। निरीक्षण टीम में जोन सचिव मयंक कुमार सिंह, जेल पर्यवेक्षक अभिषेक सिंह, शेरशाह विशाल चौरसिया और संगठन सचिव अनुज अग्रवाल शामिल रहे। मालूम हो कि उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति जेल मैनुअल के अंतर्गत काम करती है। इसके मुख्य संरक्षक राज्यपाल होते हैं। ये समय समय पर जेल, बाल सुधार गृह, वृद्धाश्रम आदि का निरीक्षण कर शासन को रिपोर्ट भी भेजती है। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।